स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर है इज़ ऑन अच्छा जो आज की डिजीज़ हम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से पढ़ेंगे दैट इज़ मोल डिसमेटिफॉर्म मोल बेसिकली क्या है एक एबनॉर्मल रेयर मैस है एक ग्रोथ है जो कि फीमेल के वॉम के अंदर उसके यूटरस के अंदर ग्रो करती है विच इज द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन यानी एबनॉर्मल कंसीव किया फीमेल में जिसकी वजह से एक मैस उसके यूटरस में हुआ है विच इज नॉट बेबी wow. <laughs> का एक मैच होता है मैंने एक पिक्चर आप आप हो किस तरह का रिमूव करके होता है क्या <laughs> होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो जो एक बेली का साइज इंक्रीज होता है उससे कंपेरिजन में हाइड्रेट्रीफॉर्म मॉल की जो पेशेंट होती है उसने बहुत जल्दी उसका बेलीफायर बेलीफ

उसने ओवम को फर्टिलाइज़ किया वो अलग बात है कि जो फर्टिलाइजेशन थी वो नॉर्मल नहीं हुई वो अब नॉर्मल हुई किसी भी रीजन से क्रोमोसोम लेवल पे ओवम के लेवल पे स्पर्म के लेवल पे कहीं ना कहीं कोई म्यूटेशन हुई है कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो नॉर्मल एम्ब्रियो की नहीं हुई और जो फीटस जो एम्ब्रियो आके इम्प्लान्ट हुआ यूटस में वो भी नॉर्मल नहीं है तो इसकी आगे दो टाइप्स हैं कंप्लीट मॉरल और पार्शल मॉरल कंप्लीट मॉरल प्रेगनेंसी में क्या होगा कि एबनॉर्मल सेल ग्रो करेगा और बिल्कुल भी वो बेबी से रिजेम्बल नहीं करेगा जो मैंने आपको स्टार्ट में पिक्चर दिखाई थी ना वो कंप्लीट मॉलर प्रेगनेंसी की थी जो कि बिल्कुल एक ग्रेप लाइक -like स्ट्रक्चर था नोड्यूल मॉलर नो सा नोड्यूलर सा ठीक है तो वो कहती है कंप्लीट मॉलर प्रेगनेंसी जिसमें नो साइन ऑफ बेबी बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे और वो एबनॉर्मल कंसेप्शन में एक रैंडम सा मैस प्रोड्यूस हुआ अच्छा पार्शल मोलर प्रेगनेंसी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में लगता है कि अर्ली साइन ऑफ बेबी होते हैं यानी स्टार्ट में बेबी ही डेवलप हो रहा होता है लेकिन उसके बाद कुछ म्यूटेशन होती हैं कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ आती है क्रोमोसोम डिस्जंक्शन में कोई प्रॉब्लम आते हैं मायोसिस मोरूस में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से जो हमारा बेबी है वो नॉर्मल ग्रो नहीं कर पाता जो फीटस है दैट्स वाई और वो एक एबनॉर्मल मैस में कंटिन्यू हो जाता है ग्रो करना जिसको हम कहते हैं पार्शल मोलर प्रेगनेंसी किसी भी अब की वजह से अगर वो नहीं ग्रो कर पाया और वो एक अब नॉर्मल मैस में हो गया तो वो भी पार्शल वॉले प्रेगनेंसी आएगी अच्छा कॉजेज़ क्या क्या होती है ना कि सबसे पहले कि जो हमारा फर्टिलाइज एम्ब्रो है उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है यानी एम्ब्रो बनाई प्रॉपर नहीं है ठीक है दूसरा है कि हमारे जो ओवम है ना वो उसमें कोई प्रॉब्लम थे उसमें या तो डीएनए पूरा नहीं था उसमें पोलर बॉडी थी वो यानी कि वो ओवम में न्यूक्लियस था लेकिन न्यूक्लियस ही नहीं था बाकी सब था वो ओवम यानी न्यूक्लियस के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है अब स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म के तो ट्वेंटी थ्री क्रोमोसम जो हिप्लॉयड के मीट हमने पढ़ा हुआ है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें फोर्टी सिक्स होते हैं जो सेक्स के मीट होते हैं उसमें ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री होते हैं

दो स्प आके एक इमेच्योर से और को आके फर्टिलाइज कर दिया मेल के एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना वो फीमेल के साइड से देखी जाती है अच्छा रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं रिस्क फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन लोगों में ये पर्टिकुलर डिजीज ज्यादा होती है जैसे अब फिलहाल हम डिस्कस करें हाइड्रेटिकॉम मॉल किन फीमेल्स में ज्यादा होता है वो फीमेल जो ट्वेंटी से नीचे है और वो फीमेल थर्टी फाइव से ऊपर है यानी अडोलस वाली एज और ऊपर जो मैंने पास उसके करीब जा रही है फीमेल फोर्टीज में जा रही है फोर्टी प्लस जा रही है उन फीमेल में ज़्यादा चांस होते हैं इस तरह के हाइड्रेडिकॉमोल्स बनने के अच्छा जिसको पहले मॉल प्रेगनेंसी है अब उसके भी चांस ज़्यादा हो गए हेल्थ कंडीशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखें एक नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके ज़्यादा चांस होंगे इस तरह की कंडीशन में जाने के या एक एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसमें ऑब्वियस में प्रॉब्लम है हॉर्मोन इम्बेलेंस है मैंसरल साइकिल डिस्टर्ब है प्रेगनेंसी में इश्यूज आ रहे हैं यानी एक इस तरह का एक ह्यूमन बीइंग है फीमेल है जिसमें हेल्थ कंडीशन की जनरली अच्छी नहीं है उसको इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको ज्यादा चांस होगा मॉडल प्रेगनेंसी का अच्छा किसी को मिसकैरेज हुआ यानी कोई भी और रीजन है जिसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक अनहेल्दी है उस वजह से भी मॉडल हाइडेडिफॉर्म बन जाएगा अच्छा सिम्टम्स क्या हैं अब नॉर्मली हमने स्टार्ट तो देख लिया कि इंटरकोर्स होगा स्पर्म uh, जाएगा से फर्टिलाइज होगा फिर एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा अब इस सब से क्या क्या सिम्टम्स फीमेल फेस करेंगी ठीक है सिम्टम्स क्या मेन मेन आएंगे विजाइनल ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा ठीक है वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ नोजिया वामटिंग जिस तरह नॉर्मल फिजोलॉजिकल जो एक बेबी है जिस तरह जो सिम्टम्स देता है कि वो नोजिया वामिट कॉज कर रहा है तो वो ये भी कॉज करेगा ठीक है अब साइज बहुत जल्दी बड़ा होगा तो नहीं होगी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि बेबी नहीं बना अच्छा प्री कलम्पिया प्री क्लैम्पिया बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसकी इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि किडनी इफेक्ट हो गई है मतलब वाइटल ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं कि इस हद तक प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है अच्छा इसकी रीजन एक ये भी है कि बहुत ज्यादा अब जो मैथ डिवेल्प हो रहा है के अंदर फीमेल की उसको ब्लड सप्लाई भी तो चाहिए तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लड कैप्तल बनेंगी न्यू प्रोरिफ्रेट हो रहा है पूरा एक नेटवर्क बन रहा है जिसकी वजह से बीपी फीमेल का हाई रहना शुरू हो जाता है तो ये भी एक सिम्टम फीमेल्स फेस करती है मॉलर प्रेगनेंसी के साथ अच्छा एच सी जी लेवल रेज होते हैं अच्छा जो एच सी जी लेवल है प्लेसेंटा रिलीज करता है नॉर्मली एक अब रेज करते हैं जब प्रे, प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल हेल्दी लेकिन मोल ये जो हमारे यहाँ डेडीपॉम मोल है मोलर प्रेगनेंसी में भी एच बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और वो देता है कि जैसे बेबी है लेकिन ब्लड टेस्ट करते हैं तो सर्जन को डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेगनेंसी का केस हो सकता है बाकी जो इसकी जो सिस्ट है वो यूट्रस को छोड़ के सर्विक्स को जो छोड़ के वजाइना से भी बाहर आ सकते ग्रेपलाइसिस जो भी हमने आपको दिखाई ये इस, इस हद हाँ तक ग्रो कर सकती है कि ये एक्सटर्नली आपको विजिबल हो जाए अच्छा डायग्नोजिस टेस्ट कौन कौन से किससे हम रूल आउट करेंगे क्योंकि ये मोलर प्रेगनेंसी है अच्छा इसका ना हम एच टेस्ट करते हैं पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है और ये एच टेस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी लेवल से भी बहुत ज़्यादा आता है तो फिर पता चल जाता है कि ये ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ है पेशेंट अल्ट्रासाउंड करते हैं डेफिनेटली उस मॉल का साइज़ है एक यानी कि वो एक साइज से एक मन दो मन बाद उसका कुछ साइज बन गया तो अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि वो चीज़ एबनॉर्मल टिश्यू डिटेक्ट हो जाता है सर ट्रीटमेंट क्या अब हमें पता तो चल गया है ये मोलर प्रेगनेंसी है ये हमारी नॉर्मल फिजोलॉजिकल फिटनेस नहीं डिवेलप हो रहा तो हम क्या करेंगे जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो डायलेशन एंड करेटेज का है अच्छा जिन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का उनको आइडिया होगा इन प्रोसीजर्स का इसमें बेसिकली ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये डायलेटर्स है ठीक है डायलेटर से पहले बेसिकली इंजर्ट करते हैं वजाइना के थ्रू सर्विक्स के थ्रू और यूटरस में सर्विक्स का थोड़ा सा ना साइज ओज ओपन करते हैं यानी डिफरेंट पहले बारीक वाला डायलेटर डालते हैं फिर थोड़ा सा हैवी डायलेटर डालते हैं फिर उससे हैवी डालते हैं उससे क्या होता है सर्विक्स थोड़ा ओपन हो जाता है डायलिटेशन के बाद उसके अंदर करेटेज एक इंस्ट्रूमेंट है वो डाल के जितना भी मोलर टिश्यू है ना वो हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द यूटरस तो ये हमारा ट्रीटमेंट है मोलर अच्छा कुछ केस में है कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो इस हद तक हो गई है कि उसने यूट्रस की जो एंडोमीडियम मायोमीटियम उसको तबाह कर दिया है बहुत ज़्यादा डिवीजनस की वजह से न्यूप्लास्टिक होने के चांसेज हैं बहुत एबनॉर्मल डिवीजन हो रही है या फीमेल बहुत एज एजें प्रोग्रेस कर चुकी है फिफ्टी प्लस और उनका वैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक अब ए ट्रॉफी हो रही है और अब अब उसमें इस तरह की सिचुएशन आ रही हैं तो उस केस में हिस्ट्रक्टमी की तरफ भी जा सकते हैं इस में होता है कि यूट्रस को रिमूव कर देते हैं फीमेल बॉडी से और ये बहुत इजीली इस ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं अगर फीमेल मैनीप की तरफ आए उनका कोई एज ए फंक्शनल यूज़ नहीं है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का तो उसमें हम इजीली कर देते हैं लेकिन अगर यंग फीमेल है तो फिर हम उसको डिसाइसिवली इस अप्रोच को पिक करते हैं इस, इस कंडीशन के साथ कीमोथेरापूटिक मेडिकेशन भी देते हैं जिनमें कॉज हो सकता है कि मज़ीद कैंसर कॉज हो सकता है अच्छा जो ये आर एच कोई अगर फीमेल है वो आर एच नेगेटिव है ठीक है उनमें आर एच एंटीजन नहीं है जिसकी वजह से उनमें आर एच एंटीबॉडीज होंगी अब एंटीबॉडीज क्या करती हैं बेसिकली जो ये अब नॉर्मल चीज़ है उसके खिलाफ अपनी फाइट एक स्टार्ट कर देती है तो इम्यून रिस्पॉन्स आता है फीवर और डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं तो अब हम फीमेल को बचाना चाहते हैं उन सारे इम्यून रिस्पॉन्स से उस सारे उस टेंशन से जो कि उस आर एच एंटीबॉडीज़ की वजह से हो सकती हैं तो फिर हम उसको फीमेल को जो एंटी बॉडीज़ है उसका हम मेडिकेशन देते हैं ताकि वो इसको सप्रेस करें उसकी एंटीबॉडीज़ को इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज ना हो ये एंड या एंटीबैनिक पिक्चर आपको डिटेल में रखी है ताकि आप लोग इसकी ग्रेप लैक स्ट्रक्चर देख लेंगे ये किस तरह का होता है ठीक है मॉन प्रेगनेंसी Thank you very much. Stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.